नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। चाइना का पाप अपने पीछे मुसीबत नहीं मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया है। दुनिया भर में जहां कोरोना ने हजारों जिंदगी निगल ली, लाखों लोग संक्रमण झेल रहे हैं, मगर सबसे बड़ी खबर कि अरबों लोगों पर कोरोना से फैली मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कोरोना से पैदा मुसीबत के बाद 10 मासूम छात्र छात्राएं संभल में गेहूं काट रहे हैं। संभल कोरोना से पैदा हुई एक अजीब मुसीबत संभल जिले के थाना चंदौसी के गांव असालतपुरा जाराई में देखने को मिली, जहां बढ़िया कपड़े पहने लड़के लड़कियां गेहूं की फसल काटते मिले। हाथों में हसिया लेकर गेहूं काटते लड़के लड़कियां से जब गेहूं काटने की वजह मालूम की गई तो सामने एक बेहद हैरान करने वाला सच सामने आया। दरअसल एग्जाम खत्म होने के बाद 20 मार्च को दिल्ली से क्लास 9 से ग्रेजुएशन के 10 छात्र छात्राएं पिकनिक को यूपी के गढ़गंगा निकले थे। धारा 144 लगने और दिल्ली में कोरोना का भयंकर प्रकोप होने के बाद दिल्ली को वाहन मिलना बंद हो गए। एक छात्रा के घर वालों ने सभी से तब रिश्ते के एक मामा के घर चंदौसी के जारई में जाकर रुक जाने को कहा। 10 छात्र छात्राएं ऊपर से मामा के परिवार के लॉकडाउन में अपने खर्च की जरूरतों को पूरा करने को लॉकडाउन में फंसे ये छात्र छात्राएं खेतों में गेहूं काट रहे हैं, जिससे एक को 150 से 200 रुपये मिल जाते हैं। वहीं कोरोना की मुसीबत ने हाथ में कलम थामने वाले इन देश के भावी भविष्यों को तपती दोपहरी में हाथ में हंसिया थामने को मजबूर कर दिया है। सभी को इस बात का इंतजार है कब हालत सामान्य होंगे, वे अपने घर जाएं। अलबत्ता छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्हें SDM और तहसीलदार से खुद को दिल्ली पहुंचने को कहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। खाना भी सिर्फ एक दिन भिजवाया। बहरहाल 43 दिन से दिल्ली से आकर संभल में स्टूडेंट गेहूं काटकर लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं संभल से सतीश सिंह की रिपोर्ट। ये आज आप यहां क्या कर रहे हैं? हम यहां पर दिल्ली से फंसे हुए थे, तो हम यहां पर गेहूं काटने के लिए आ रखे हैं ताकि थोड़े बहुत पैसों का अरेंज हो जाए, क्योंकि जितने दिन के लिए 2 दिन के लिए हम लोग आए थे उतने पर्याप्त नहीं था। अब हमें 43 डेज हो चुके हैं कम से कम। मैं स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी, मैं स्टूडेंट। कहाँ पढ़ाई करते हैं? दिल्ली। ये सारे लोग जितने गेहूं काट रहे हैं ये सब दिल्ली के हैं? कोई 10th में, कोई 9th में, कोई 12th में है, कोई अभी 12th से क्रॉस होके जिसका भी फर्स्ट टाइम एडमिशन होगा। 10 बच्चे हैं, 10 ही स्टूडेंट्स हैं सारे। तो यहाँ कैसे फंस गए यहाँ पर? हम यहाँ गढ़गंगा आए थे 20 मार्च को, जिसमें सबके एग्जाम्स ख़त्म हुए थे, तो हमने सोचा कि चलो 2 दिन के लिए घूमने चले जाते हैं। सबके पेपर ख़त्म हुए थे, मेरे बुआ फूफा जी के बच्चे भी नानी के घर आए थे, तो सब बोल रहे थे दीदी कहीं चलते हैं, तो हम गढ़गंगा आ गए। तो हम यहाँ से जब गढ़गंगा से निकलने वाले थे, उस टाइम पता चला कि 144 धारा लग चुकी है, जिससे हमारा निकलना दिल्ली में तो जाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि दिल्ली के लिए हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा, तो मम्मी ने बोला कि यहाँ पर आपके रिलेटिव लगते हैं ना, वहाँ चले जाओ। तो हम वहाँ से प्राइवेट बस थी, वहाँ से हम यहाँ चंदौसी उतर के ई रिक्शे से इस गांव में आ गए थे। कौन से रिश्तेदार के आए हैं? ये मेरे मामा लगते हैं, कज़न मामा जी। तो उनके घर पर आ गए थे, तो उन्होंने जो भी है थोड़े दिन। सारे स्टूडेंट कौन कौन सी क्लास पढ़ाई? कोई 9th में है, 2 बच्चे 9th में है, 2 10th में है, मेरी जो सिस्टर है वो 1st ईयर में है। अभी आप यहाँ पर, आपको क्या परेशानी उठानी पड़ रही है और आप ये क्या कार्य कर रहे हैं? अब हम गेहूं काट रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत देखो उनकी भी हेल्प हो जाए और हमें भी थोड़ा बहुत मिल जाए। मेरे मामा जो लगते हैं उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों से, वो खुद भी कर रहे हैं, नहीं बोलते कुछ, मेहमान है ना, कुछ नहीं बोल सकते। तो हमने सोचा चलो कुछ नहीं होता है, गेहूँ वगैरह काट लें, कुछ भी जैसे हमें जो मजदूरी मिल सकती है हम वो कर लें। कितने रुपये मजदूरी दे रहा है खेत मालिक आपको? जैसे प्रॉपर तो मिलता नहीं है, जैसे 250 से 300, तो जैसे बड़े अच्छे मजदूरों के लिए जो प्रॉपर काट सकते हैं, कोई 100 दे देता, कोई 150 दे देता, थोड़ी बहुत जान बचाना इसलिए रख लेते हैं, वरना हम तो प्रॉपर भी नहीं काट सकते जो हम उन्हें, वो हमें प्रॉपर जैसे मजदूरी वगैरह दे, 250 दे, 300 दे, 100 150, कोई 200 हद मार के अभी तक हमें 200 मिला। कितना वक्त काम करते हो? जैसे सुबह आ जाते अपना, थोड़ा बहुत चाय वाय पी के 9-10 बजे के करीब आ जाते हैं, और शाम हो जाते 6 बज ही जाते कम से कम, थोड़ा अंधेरा होने लग जाता। अच्छा, ये बताइए, आपने घर जाने का प्रयास किया लॉकडाउन के दौरान? बहुत प्रयास करा मैंने। कौन से अधिकारियों से आपने फरियाद की, किससे मुलाकात की? मैंने मुलाकात तो नहीं करी, मैंने बात जरूर करी, क्योंकि मेरे को बोला गया था कि आनंद विहार से दिल्ली से
यूपी में बस से आ रही है, तो मैं बस स्टैंड गई थी, वहाँ पे मुझे कोई मिला जिन्होंने मुझे एसडीएम का नंबर दिया। एसडीएम सर को मैंने कॉल करा सुबह 30 मार्च को, एसडीएम सर को मैंने कॉल करा, उन्होंने बोला कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। मैंने ये तक बताया सर हम 10 बच्चे हैं, हमारे साथ हमारे पेरेंट्स भी नहीं है, जो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, एक बार को हमारे पेरेंट्स भी होते ना तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, अभी आप जो 14 अप्रैल तक का है लॉकडाउन तब तक का आप इंतज़ार करें। ये सब हो गया, ठीक है, हमने 14 तक कर दिया। फिर भी मैं तहसील गई, क्या पता वहाँ पे कुछ हो जाए, क्योंकि इसने बोला एक बार आप तहसील चले जाओ। वहाँ पे जो तहसीलदार थे उनसे भी मैंने बोला कि हम ऐसे ऐसे 10 बच्चे फंस गए हैं, हम सारे स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ हो सकता है कि हम आप, मैं ये भी नहीं कह रही थी उनसे कि आप अपने पैसों से भेजो कुछ, आप हमें परमिशन लिख के दे दो जिससे हम अपनी प्राइवेट गाड़ी करके ही चले जाए अपने घर जाना चाहते हैं। उस टाइम हमारे पास पैसे थे ना, इसलिए हम कह रहे थे घर जाना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं नहीं 14 तक वेट करना पड़ेगा। फिर मैंने उनसे ये क्वेश्चन करा कि अगर बाय चांस 14 तारीख को नहीं खुला लॉकडाउन फिर हम क्या करेंगे, तो उन्होंने ये बोला कि हम बैठे हैं उसके लिए। फिर मैं 14 तारीख को वापस गई, जब दोबारा लॉकडाउन बढ़ गया तो कहने लग गया देखो कुछ नहीं हो सकता, आपको मैं एडीएम का नंबर दे सकता हूँ या एडीएम, उस टाइम उन्होंने नंबर नहीं दिया, उन्होंने बोला था आप एडीएम बैजोई चले जाओ। उसके बाद फिर हम एडीएम के वहाँ हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि हमें ना कोई साइकिल ना कुछ ना कुछ भी नहीं था चलने के लिए, ना बस ना। अब आपकी प्रशासन से बात हुई है, उसने क्या आश्वासन दिया है? अभी जब मेरी एसडीएम सर से बात हुई उस टाइम वो यही बोल रहे हैं कि कोई खाने पीने की दिक्कत है तो आप बता दो, हम भिजवा नहीं सकते। मैंने बोला आप मुझे दिल्ली नहीं भिजवा सकते, आप यूपी के अंदर तो मुझे भिजवा ही सकते हैं ना। यूपी में कहाँ जाना चाहते हैं? मैं, मेरी बुआ का घर है साहिबाबाद गाजियाबाद में, जो इस टाइम ऑरेंज जोन में है, तो मैंने बोला था मेरी बुआ के घर भिजवा दो, उनका इतना बड़ा घर है, हम अलग अलग रह लेंगे जिससे हमारा सोशल डिस्टेंस भी हो जाए और हमें उनके घर पर कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी जो हमें यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हो सकता। आपने क्या एसडीएम के अलावा किस और अधिकारी से बात करी, उन्होंने क्या जवाब दिया? एडीएम सर से बात हुई थी, जो उन्होंने यही बोला था कि देखो कुछ हो ही नहीं सकता, अभी आप लोग दिल्ली के हो तो दिल्ली के प्रशासन से बात करो, तो दिल्ली भी भेजा गया, ऐसी नहीं है कि हमने दिल्ली बात नहीं करी। वो यही कह रहे, वो यूपी कह रहा है, यूपी वाले दिल्ली कह रहे, हम इनके बीच फंस चुके हैं। अब आप क्या चाहती हैं? मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारे, हम 10 बच्चे, हमें 44 डेज हो चुके हैं, तो हमें कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं है और भी लोग आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, गाड़ी चलाई जा रही है, ट्रेन चलाई जा रही है, बसें चलाई जा रही है, हम 10 हैं कम है, तो हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट नहीं हो सकता। आपके पास पैसे वगैरह कुछ हैं? अभी तो पैसे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, जितना हो सकेगा हम हेल्प उनकी करने की कोशिश करेंगे, जो हमें लेके जाएंगे जो भी है, जिस भी तरीके से हम गाड़ी वाड़ी से आ जाएंगे तो। लेकिन मतलब यही है, अभी इस टाइम हमारे पास पैसे कुछ नहीं है, तभी हम ये लोग मजदूरियाँ वगैरह कर दें ताकि थोड़ा बहुत तो कुछ दूध का, चीनी का, आटे का, इसका खर्चा निकल जाए। मेरा नाम श्रुति है। आप कहाँ से आए हो, आप स्टूडेंट हो? हाँ जी, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं अभी 10th की स्टूडेंट हूँ। तो आप यहाँ का कैसे फंस गए? हम लोग आए थे गढ़ गंगा घूमने के लिए और वहाँ पे हम लोग, लॉकडाउन लग गया था दिल्ली में 22 तारीख को, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए अचानक से, क्योंकि किसी के रिलेटिव लगते हैं, इसीलिए आ गए हम लोग। तो आज गेहूँ काट रहे हो, कैसे आपको लीव क्या प्रसन्न है? हाँ जी, हम गेहूँ इसलिए काट रहे हैं क्योंकि जिनके यहाँ हम रुके हैं उनको, हमें 10 बच्चे हैं तो उनको बहुत दिक्कत हो रही है गेहूँ काटने में। कितने पैसे मिलते हैं आपको? हमको सिर्फ 150 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, मतलब जो जितना काट पाता है उसके हिसाब से हमें इतने मिल जाते हैं, उससे ज़्यादा कोई देता भी नहीं है। क्या आप क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारे घर पहुंचा दिया जाए, चाहे वो जितना भी कर सके, मतलब हमारे लिए ये नहीं है कि हम सिर्फ खाने के लिए कर रहे हैं। अपने अधिकारियों से बात करी थी? हाँ जी की थी, वो बस ये कह रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और हमसे कोई हेल्प करने के लिए तैयार भी नहीं है। कहाँ रहती हैं आप? दिल्ली में, मादीपुर। आज गेहूँ काट रहे हो, ऐसी क्या हालत हो गई आपकी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट और आज गेहूँ काट रहे हो? आज अपने मामा जी के आए थे तो सरकार से आपने कुछ कहा नहीं था? हमने परमिशन बोला था कि उन्होंने क्या अभी करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं ये वो, और ये था खाना वाना भी उन्होंने एक ही बार भिजवाया और फिर उसके बाद कोई वो नहीं हुआ, फिर हमारी कोई सुन नहीं रहा है, और फिर उन्होंने क्या अभी करेंगे कभी 13-14 तारीख, कभी 3 तारीख, कभी आगे बढ़ा बढ़ा के उन्होंने बोला आगे देखूंगा। और इतना ही मतलब जब भी चाहते तो बोलते है नहीं ये है वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारी कोई सुन नहीं रहा है। कितने पैसे मिलते हैं आपको गेम काटने? कभी तो अपना काम हो जाता है जितना, कभी 150, कभी 200, ऐसे कुछ मिल जाता है, उससे गुजारा कर रहे हो आप? और कभी मामा वामा भी इतने हैं नहीं उनके भी। कितने बच्चे हो आप? हम 10 बच्चे हैं। कौन कौन से क्लास में पढ़ते हो? कोई 9th, दो बच्चे।
चलाए थे। कहाँ आप जाना चाहते हो? मेरा नाम सुमित है। कहाँ से आए हो आप, आज गेहूं काट रहे हो? ऐसी व्यवस्था क्या क्या सरकार से आपने गुजारिश नहीं करी, आप लॉकडाउन में फंसे हुए हैं? देखिए, मैं तो पहली बार तो दिल्ली से आया हूँ और हम यहाँ घूमने आए थे लगेंगे, और उसके बाद ही एकदम से 44 लगने के बाद आना जाना बिल्कुल ठप हो चुका था दिल्ली में, तो खासकर में। तो हमारे सिस्टर के जो वो हैं, क्या नाम है, मामा जी हैं, उनके घर हम आए हैं और खाने पीने की थोड़ी दिक्कत हो रही है। मामा जी भी हैं, 10 लोग हम आ रहे हैं। तो आप गेहूँ काट रहे हो, कितने पैसे मिल जाते हैं गेहूँ काटने में? ज़्यादा तो नहीं है, बस वही है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से 150-200 के लगभग मिल रहा। तो आपने एग्जाम में किसी अधिकारी से बात करी थी? अधिकारियों से बात करी है, सिस्टर ने बात करी है। तो क्या कहा था? आपसे भी बात करी, हालांकि मिले नहीं है लेकिन फ़ोन पर बात करी है, और उन्होंने कहा था कि 14 तारीख तक आप रुकिए, जो पहला लॉकडाउन हुआ था मेरे ख्याल से 14 तारीख तक रुकिए, अगर कोई कंक्लूजन निकलता है तो हम आपको दे देंगे। कितने दिन हो गए आपके लिए? मेरे ख्याल से 43-44 दिन हो चुके हैं। तो क्या चाहते हो सरकार से? सर, हम यही चाहते हैं कि हमें हमारे घर भेजे थे, हालांकि दिल्ली में लॉकडाउन हो चुका है, रेड जोन है, हम न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन ये है कि मेरी सिस्टर है वो उसका गाजियाबाद में घर है, हम वहाँ। कितने लोग हो आप? हम लोग 10 लोग हैं, फ्रेंड्स हैं और कुछ भाई बहन हैं। तो कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? देखिए, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बीए की, और बाकी 9वीं में है, कोई 10वीं में है, और सबकी कुछ की तो ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, तो उनकी पढ़ाई भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जैसा घर हम पहुँच जाएँ ताकि हम स्टडी को कंटिन्यू कर सकें और ध्यान रख सकें।